आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम आपको सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी बनाना सिखाएंगे, जो कि नवरात्र के व्रत में आप खा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए हमने ये उबले हुए हमने दो आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज के दो उबले हुए आलू। ये हमने दो मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और हमने छोटी कटोरी से एक कटोरी सिंघाड़े का आटा ले लिया है, क्योंकि पैकेट में आता है बिल्कुल शुद्ध सिंघाड़े का आटा, व्रत में खाया जाता है। और हमने धनिया पत्ती ले ली है थोड़ी, और ये जीरा, और ये मूँगफली दाना, और ये हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आलू है, आलू को हमने उबाल दिया है, अभी इसको हम हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। इसको हाथ से अच्छी तरीके से हम मैश कर देंगे। देखिए अच्छी तरीके से ये मैश हो चुका है। अब इसके अंदर हम सिंघाड़े का आटा डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब इसमें हम ये मूंगफली दाना जो है ये डाल देंगे। ये हमने थोड़ा सा मूंगफली दाने को भूनकर और इसे हमने थोड़ा सा इसे हमने क्रश कर लिया था, फूट लिया था थोड़ा। और ये जीरा, जिसमें हम जीरा डाल देंगे। और ये हरी मिर्च, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें थोड़ी सी हम धनिया पत्ती डाल देंगे। और अब इसमें हम व्रत वाला सेंधा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब हमने डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, अपने स्वाद अनुसार आपको जैसा अच्छा लगे कम ज़्यादा। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे चम्मच से। और अब इसमें हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से ये और भी अच्छा बन जाता है। और अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हाथ से हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे हमें हाथ से मिलाना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे टेस्ट और अच्छा लगता है, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरीके से हम मिला देंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। हाथ से हमें इसे तब तक अच्छी तरीके से मिलाना जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिल ना जाए। देखिए सारी चीज़ अच्छी तरीके से मिल चुकी है, तो इसे मैंने साइड में रख देना है ऐसे। फ्रेंड देखिए ये अच्छी तरीके से इसे हमने डो तैयार कर लिया। अब हमें हाथ में थोड़ा सा पानी या थोड़ा ऑयल आप कुछ भी लगा लीजिए और इसको ऐसे पहले हाथ से ऐसे कर लीजिए। हम सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी बना रहे हैं, इसलिए इसे हम कचौड़ी का शेप दे देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे आप बना बना कर आप रखते जाइए। ये व्रत के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड, जो 9 दिन फास्ट, स्पेशली जो 9 दिन का फास्ट रहते हैं उनके लिए, क्योंकि हम थकान सी महसूस होती है हमें व्रत में बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, हमें खाने से हमारा पेट भी जैसा सही से हमें अच्छा फील होगा खाने पर। इसी तरीके से हमें सारा बना लेना है। फ्रेंड देखिए हमने कढ़ाई में तेल रखा है, तेल गर्म हो चुका है। ये हमने मूंगफली का शुद्ध तेल लिया हुआ है, ये व्रत में खाया जाता है। या घी, देखिए अब फ्रेंड अब ये याद रखिए कि जहाँ तक हो सके व्रत में हमें मूंगफली का तेल या देसी घी, हमें इसी से हमें व्रत का फलाहारी में बनाना चाहिए। तो ये हमने मूँगफली का तेल लिया हुआ है, इसे ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसे हम पहले चेक करेंगे, एक छोटा सा बॉल डालकर इसमें सिंगाड़े का हमने बनाया हुआ था डो वो डाल के पहले चेक करेंगे। देखिए तेल हो चुका है हमारा अच्छी तरीके से। अब गैस को हम फास्ट गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे, हाई पे कर देंगे।
इसे हम बाहर कर देंगे। हमने बाहर निकाल लिया और अब जो हमने बनाया है सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी, अब ये है एक एक करके हम तेल में हम डाल देंगे। अभी हमें गैस की फ्लेम को कम कर देना है पहले। धीरे धीरे करके हमें एक एक करके हमें ऐसे छाने डाल देना है। और अब हमें गैस की फ्लेम को तेज कर देना है। जब ये एक तरफ हो जाए तो इसे हमें धीरे से दूसरी तरफ पलट देना है। देखिए एक तरफ ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो रहा है, देखिए धीरे धीरे ऐसे हमें पलट लेना है। हमें बीच बीच में ऐसे पलटते रहना है। देखिए धीरे धीरे ये ब्राउन कलर का हो रहा है। अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। और अब हमें जैसा कि फ्राई हो गया है, एक प्लेट में हमें एक कागज बिछा लेना है। आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर आप प्लेट में आप बिछा लें, तब आप इसे निकालें। देखिए बहुत ही बढ़िया, और देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी बन रही है, सिंघाड़े के आटे की और आलू का। आपका मुंह का स्वाद चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर ये व्रत में आप खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया अच्छा लगेगा आपको, और आपका पेट भी जैसा फास्ट में पेट भी आपका भर जाएगा। हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और हमें इसे निकाल देना है तेल के बाहर। सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी बनी हुई है फ्रेंड, देखिए हमने बना लिए सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी, बहुत ही बढ़िया। और ये हरी धनिया की चटनी हमने बनाई हुई है, हरी धनिया और हरी मिर्च की चटनी, देखिए बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स लग रहा है ये, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी अच्छा है। देखिए सब हरी चटनी के साथ इसे आप खाइए, व्रत के दिन आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। फ्रेंड हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। नमस्कार।